delusion of small size genitalia or masturbation, say weakness, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का मेरे पास में है, उसकी उम्र 30 साल की, भी शादी हुई नहीं है और वो इसलिए आया कि उसको बहुत ही कमजोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगी है और उसका ये पक्का विश्वास हो गया था कि मेरा लिंग अंदर अंदर जा रहा है, पेट में जा रहा है। तो उसको मैंने बताया कि भाई ठीक है, देखते हैं, तपास के देखते हैं क्या है। तो फिर पूरी उसकी जांच किया, मतलब भाई कमजोरी सा कुछ तो नहीं लग रहा है, आपका वेट बराबर है, आपकी हाइट बराबर है, आपको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बराबर आए हुए, आपका बाकी हार्ट ठीक है, आपका रेस्पिरेशन कोई कमजोरी तो नहीं है। नहीं, बोले मुझे बहुत ही कमजोरी आती है, बहुत थकान आ जाती है। क्या हुआ क्या? बोले मैं कम से कम दिन में 3 या 4 बार मास्टरबेशन करता हूँ, अभी अभी मैंने छोड़ दिया है, करता था मतलब अभी भी छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी वीर्य का नाश किया हुआ है और इसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी आई है, मुझे बहुत ही थकान आती है, मैं भी काम का लायक ही नहीं रहा, मुझे लगता है कि मैंने सुसाइड करना चाहिए। अच्छा, फिर मुझे मैंने बोला कि आप तपास लो, पूरी जांच कर लो, ब्लड की टेस्ट करो, सब एक्सरे विक्सरे निकाल लो, आप देखो कुछ मालूम पड़ता है क्या, तो कोई कमजोरी है का मालूम पड़ जाएंगे, दिखता तो नहीं है ऐसा। नहीं, बोले मेरे को कमजोरी है ही, मेरे को बहुत कमजोरी लगती है, कोई कुछ काम के लायक ही नहीं रहा, मुझे ऐसी दवा दो कि मुझे फिर ताकत आ जाएगी वापस। बोले ठीक है, देखते हैं फिर और क्या होना आपको। बोले नहीं, मुझे मेरा जो लिंग अभी अंदर अंदर जा रहा है अभी, उसको आपने, आप बोलो क्या करना है, उसके लिए दवा दो, आपने उसके लिए दवा देना चाहिए कि ताकि वो अंदर नहीं जाएगा, छोटा नहीं होगा। आपका लिंग 1.5 या 1 इंच, मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई 1 इंच से कम है। बोले नहीं, 1 इंच से तो कम नहीं है। बोले फिर 1 इंच से यदि कम नहीं है आपका लिंग, तो फिर कम नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बोले अंदर जा रहा, मुझे लगता है कि 1 इंच से भी कम हो जाएगा। बोले हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, तो अभी आज तो नहीं है। बोले आपका जो पेट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फैट जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेली निकली हुई है, उम्र है 30 साल की, देखो इतनी बेली निकली हुई थी उसकी, इतना ज़्यादा पेट बढ़ा गया था कि उसमें ऐसा आपको लगता है कि वो अंदर जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फैट की वजह से और आपको लगता है कि वो अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ज़्यादा उसकी साइज होती रहती है, अपने बॉडी में एक ही ऐसा ऑर्गन है कि भाई वो कम ज़्यादा होते रहता है, बाकी कोई ऑर्गन अपने को मालूम है कि कोई कम ज़्यादा होता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साइज़ नॉर्मल है। कितना भी उसको समझाया तभी वो मानने को तैयार नहीं था, बोले मेरा लिंग का साइज़ कम है, मुझे वीकनेस है और आप उसके लिए दवा दो, लिंग का साइज़ बढ़ना चाहिए। बोले भाई आपने मेरे वीडियो देखे? बोले हाँ वीडियो देखे। बोले आपने और कहीं वीडियो देखे? बोले हाँ, और बहुत सारे वीडियो में ऐसा लिखा है, वीडियो में ऐसा बोला हुआ है कि भाई मास्टरबेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। बोले भाई वो कौन है लोग बोलने वाले? वो आयुर्वेद आचार्य होंगे या होम्योपैथी वाले होंगे या जो डॉक्टर नहीं वो भी होंगे कि जो ऐसा बोलते हैं, कोई साधु संत ने, बहुत ऐसे साधु लोग हैं जो महाराज है, वो ऐसा बोलते रहते हैं कि वीर्य का नाश नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब झूठ है, मेरे ऊपर विश्वास करो मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं साइंटिफिक बोल रहा हूँ। मतलब ये ठीक है, मैं आपको कुछ दवा देता हूँ ताकि वो जो आपके मन में पक्का विश्वास हो चुका है, डिल्यूजनल लेवल का था उसका, वो निकल जाएगा, निकलने में मदद हो जाएगी और अपन काउंसिलिंग के लिए सेशन करेंगे। उसके लिए काउंसिलिंग को उसको बुलाया, कोई दवा भी उसको दिया जिसकी वजह से उसके जो विचार थे बार बार आ रहे थे और उसके जो पक्का विश्वास था वो टूटने लगा और धीरे धीरे 4-5 हफ्ते में वो अच्छा होने लगा। तो ये काफ़ी अंधविश्वास लोगों में है कि मास्टरबेशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, मास्टरबेशन ये बहुत हानिकारक है और लिंग का साइज जो है वो छोटा हो रहा है या लिंग का साइज जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है और वो बोलते हैं कि मास्टरबेशन की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।